क्या जिनको थायराइड प्रॉब्लम है उन्होंने सेक्स करना चाहिए? क्या उनका सेक्स के ऊपर बुरा असर होता है? क्या वो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? क्या उनको बच्चे अच्छे हेल्दी हो सकते हैं? क्या हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड लेडी के साथ में मैं किस कर सकता हूँ? क्या ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है? सेक्स के ऊपर कितना प्रभाव थायराइड का होता है? इसके बारे में बहुत सारे सवाल हमको आते रहते हैं, तो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है और वो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये थायराइड हार्मोन एक तो कम हो सकता है या एक तो ज़्यादा हो सकता है, मतलब वो कम काम कर सकती है थायराइड ग्लैंड या ज़्यादा काम कर सकती है, उसके अनेक कारण हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। मगर कम काम करने वाले जो लोग हैं, मतलब जिनके थायराइड हार्मोन कम काम करते हैं, तो ऐसे लोग हमारे देश में कम से कम 3.9% है। मतलब 100 में करीब करीब 4 लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, पुरुष और स्त्रियां, पुरुष स्त्रियों में ज़्यादा है। और जिनको सब क्लिनिकल है, मतलब थोड़ा मामूली सा फर्क है 19-20, तो ऐसे लोग हमारे देश में 100 में से 9 है, मतलब 9.4% लोगों को सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है। आपको बताऊंगा, कैटरीना कैफ जो एक्ट्रेस है उसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म था। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, एकदम ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। भले क्यूरेबल नहीं होगा, ट्रीटेबल तो डेफिनेटली है। कुछ लोगों में यह हाइपर थायरॉयडिज्म हो सकता है, मतलब थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है और वो 1.6% है, मतलब करीब करीब 1 से 2 लोग 100 में से, पुरुष या स्त्री, उनको यह हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। अब हाइपर हो या हाइपो हो, काम तो ठीक नहीं कर रही है, तो उसका असर हमारे पूरे बॉडी के ऊपर होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जिसमें अपनी स्किन जो है, चमड़ी, वो जरा मोटी रहती है, रफ हो जाती है। आवाज़ जो है, आवाज़ वो थोड़ा मोटा हो जाता है। थकान जल्दी आ जाती है, नींद आ जाती है जल्दी, उत्साह नहीं रहता है। मेरे तरफ बहुत ऐसे पेशेंट आए कि जो ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेस्ड है, नर्वस है, उदास है, वो मेरे तरफ आते हैं कि भाई हमको मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, और उनको हम थायराइड चेक करते हैं तो उनको थायराइड ग्लैंड का हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है। तो ये मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम कॉज करती है, यदि कम भी है और ज़्यादा भी है तो। जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनकी आंखें ऐसी मोटी मोटी दिखती है, हाथ थर थर कांपते हैं, बहुत एक्साइटेड लोग रहते हैं, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब ये दोनों भी जो है, हाइपर हो या हाइपर हो, हाइपो का ज़्यादा प्रमाण है, इनका सेक्स के ऊपर असर होता है, सेक्सुअल फंक्शन ठीक नहीं होता। एक तो इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसका इफेक्ट बुरा असर टेस्टोस्टेरोन, जो सेक्स हार्मोन है, उसके ऊपर होता है। सेक्स हार्मोन कम सिक्रेट होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में डिज़ायर कम, मतलब इच्छा कम होती है, शुरुआत करने की इच्छा नहीं रहती, सेक्स करने की इच्छा कम होती है। इच्छा हो गई तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, रुचि कम लगती है उनको, गिल्लापन जो होना चाहिए, जैसा चिपचिपा पानी आना या औरतों का वजाना में गिल्लापन होना सेक्स के पहले, वो कम होता है। ऑर्गेज्म, मतलब जो उच्चतम अवस्था है सेक्स की, आनंद की उच्चतम अवस्था, वो आती नहीं है या समाधान होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है या थायराइड का प्रॉब्लम है, तो 60% पुरुषों में सेक्स का प्रॉब्लम दिखाई देता है, 100 में से 60 जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है। और स्त्रियां जो है, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 100 में से 30 स्त्री जो है, स्त्री 100 में से 30 महिलाओं को ये सेक्स का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए करना क्या है, सेक्स का प्रॉब्लम है तो और हाइपोथायरॉयडिज्म है तो नंबर एक, मैं भी आपको बताता हूँ, 7 टिप्स दे रहा हूँ मैं, कि जो आप करते हैं तो डेफिनेटली थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप अच्छी सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। तो नंबर एक, थायराइड ग्लैंड की रेगुलर चेकअप कर लेना है, और हाइपर हो या हाइपर हो, उसकी दवाइयाँ हैं, दवाई लेके वो नॉर्मल लेवल में रखना है, उसका कोई दूसरा चारा नहीं है। एकदम सस्ती गोली है, आप ले सकते हैं और आप आपका थायराइड ग्लैंड का लेवल मेंटेन रख सकते हैं। नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंबर दो, पार्टनर को बताओ कि देखो मेरे को है ना ये प्रॉब्लम है थायराइड का,
और इससे यह सेक्सुअल प्रॉब्लम होते रहता है, कोऑपरेट करो, तो वो कोऑपरेट करेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अनजाने अनजाने में लेवल कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उसका असर सेक्स के ऊपर आ गया, तो पार्टनर को समझते नहीं ऐसा क्यों कर रहा भाई, भाई आप बोल रहे हैं मेरे को थकान आ रही है, इच्छा नहीं है, तो उसको समझते नहीं ऐसा क्यों कर रही है, बाहर से तो करके नहीं आए इसलिए घर में इंटरेस्ट नहीं है। तो कम्युनिकेट करना बहुत ही जरूरी है पार्टनर के साथ में, नंबर दो। नंबर तीन, अपना वजन कम करो, वजन मेंटेन रखो। क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में बेली फैट या मास ज़्यादा जमा हो जाता है फैट, और उससे वजन बढ़ता है और उससे फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो वजन कम करना या वजन मेंटेन रखना है। नंबर चार, नींद अच्छी लो। ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में कि आप जिनको थायराइड का प्रॉब्लम, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, एक घंटा थोड़ी ज़्यादा नींद लेते हैं ना तो उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो नींद 7 से 8 घंटा लेना जरूरी है। नंबर पाँच, आप सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल ये दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाडालाफिल है तो 10 से 20 मिलीग्राम टाडालाफिल जो दवाई मार्केट में मिलती है, सिल्डेनाफिल 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम, या वर्दानाफिल 10 से 20 मिलीग्राम, ये दवाइयों का उपयोग आप कर सकते हैं सेक्स करने के 2 घंटा पहले। और क्या होता है कि थायराइड प्रॉब्लम से ड्राइनेस होता है, वजाइना में ड्राइनेस हो सकता है, लिंग में ड्राइनेस हो सकता है, तो आप जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जेली चिकटपन आने के लिए, चिकने होने के लिए जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छा ऑयलिंग हो जाए और अच्छा मतलब इंसर्जन के लिए प्रॉब्लम ना आए। नंबर छः, बैलेंस डाइट, विटामिन युक्त मिनरल्स युक्त डाइट और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। प्रोटीन ज़्यादा लेते तो अच्छा है, डाइट से भी आपको सेक्सुअल फंक्शन में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी, अच्छा होगा। और नंबर सात, काउंसलिंग करो, सेक्स काउंसलिंग, सेक्स थेरेपी, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी यदि ये करते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसमें लोग सवाल करते हैं क्या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो लड़की शादी कर सकती है, क्या लड़का शादी कर सकता है, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शादी करने के पहले बताना जरूरी है ताकि सामने वाले पार्टी को ऐसा ना लगे कि हमको फंसाया गया करके। लोग पूछते हैं क्या मैं लड़की के हाइपोथायरॉयड लड़की को किस कर सक, पुनः लोग और पूछते हैं कि क्या हाइपोथायरॉयड लड़की को मैं किस कर सकता हूँ, क्या बिल्कुल किस कर सकते हैं, ये कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है कि लड़की को है तो मेरे को हो जाएगा, तो बिल्कुल किस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाइपोथायरॉयडिज्म से लोग पूछते हैं कि सेक्स हार्मोन्स कम होते हैं क्या, हाँ होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होती है। क्या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो प्रेगनेंसी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे सवाल है छोटे मोटे, नॉर्मल जीवन आप जी सकते हैं, हाइपो रहो या हाइपर रहो, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, नॉर्मल सेक्सुअल जीवन जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकता नहीं है। टाइम टू टाइम टेस्ट करना ब्लड की, T3, T4, TSH ये तीनों भी लेवल आपने टेस्ट करना जरूरी है, और नहीं तीन कर सकते कम से कम TSH करना जरूरी है, और T3, T4, TSH की लेवल जो है वो मेंटेन रखना जरूरी है दवाइयों से। उसके ऊपर ये मत करो कि नहीं नहीं अब नॉर्मल हो गया, यूजली लोग क्या कहते हैं अभी नॉर्मल है हमारा थायराइड हार्मोन का भी लेवल, तो हमने बंद कर दिया दवाई, ऐसा मत करो, क्योंकि खटाक से एकदम इतना बढ़ जाता वो कि फिर वापस लाने की बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए नॉर्मल लेवल रखना जरूरी है, टाइम टू टाइम टेस्ट करना, और जो मैंने अभी टिप्स बताया इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, क्योंकि 100 में से 3 या 4 लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है हमारे देश में और उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये जरूरी है इनको जानना सेक्सुअल लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।